तो हमारे नए साल की और ट्रेन ट्रैक दोनों की शुरुआत हमारी मम्मी के हाथ की कचौड़ियों से हुई। हे गाइस, वेलकम माय अनदर ट्रैवलिंग ब्लॉग। तो गाइस, अपना सफ़र तो स्टार्ट हो गया है, आपका कब होगा? तो यार, अभी मैं द्वारका जा रहा हूँ, मुझे एक काम था छोटा सा, कैमरे की मेमोरी कार्ड लेनी थी। तो ये मेरा मेट्रो स्टेशन अर्जनगढ़, कभी मिलने आना हो तो आ जाना। चलते फिर मेट्रो का वेट। जल्दी आ गया मेट्रो, क्या बात। होप यू एंजॉय द वीडियो। आई रिसेंटली वेंट टू मैक्लोडगंज फ्रॉम दिल्ली एंड दिस टाइम आई गेव माई सेल्फ ए बजट ऑफ ₹3500 टू एक्सप्लोर द सिटी एंड विजिट ऑफ बीट एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन मैक्लोडगंज एंड थ्रूवन। आई कम्प्लीटेड दिस ट्रिप फ्रॉम माई दिल्ली टू मैक्लोडगंज धर्मकोट इन बजट। टुक माई बस फ्रॉम दिल्ली टू मैक्लोडगंज फ्रॉम मजनूगा टीला नियर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। दिस वीडियो टेल यू वेयर टू स्टे इन मैक्लोडगंज। और हाँ, अब किसी को त्रिवेंद मैक्लोडगंज या धर्मशाला जाना हो, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं सस्ते में सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, बाइक हो, स्कूटी हो, कैंप हो, एकोमोडेशन हो, सब कुछ, ठीक है ना। तो ये हमारा कैंप था हिम ट्रैक, जो हम जाते ही फर्स्ट डे यहाँ पर स्टे किया था, और जो बहुत ही वर्स्ट डे रहा था, पूरा दिन बारिश होती रही, कहीं नहीं जा पाए, तो बस कैंप की ही वीडियो बनाता रहा। बहुत सही था ये, 600-800 ईजिली आपको ट्रैक ईज़िली आपको कैंप मिल जाएंगे, जो बहुत सही थे। और काफ़ी अच्छा इनका एरिया था, पूरा जंगल के बीच में, मज़ा आ गया था यार यहाँ पे। और खाने को भी सब कुछ था, जो आप खाना चाहते हो वो मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया था, इनकी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, सीरियसली वन थम्स अप फॉर हिम ट्रैक। तो ठीक है, ये हमारे कैंप थे जो हमने लिए थे 800 रुपये में, बहुत सही थे। अंदर 4 बेड्स होते हैं और आप आराम से 4 जने रुक सकते हो। और ये 600 वाले कैंप थे, और इसके पीछे भी 600 वाले कैंप हैं, जो बहुत सही थे, मतलब 600 में बहुत सही लोकेशन पे थे यार। देख रहे हो, जंगलों के बीच रात को जो वहाँ पर स्टे करते ना, अलग ही फील होती है यार, मज़ा आ गया। तो बस बारिश ख़त्म होती है, हम इवनिंग में मैक्लोडगंज की मार्केट घूमने निकल गए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो आप खरीद सकते हो। तो हम यहाँ पर इस मार्केट में पश्मीना शॉल ढूंढ रहे थे। अच्छा, तू सीधे तुझे जो हमें लेनी थी ना, वो पूछ सकता है तू यहाँ पे। तो हमें पश्मीना शॉल तो मिली नहीं, लेकिन मार्केट इंजॉय हो गया। तो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट का टेम्पल था जो बहुत प्यारा था, लेकिन बंद था शायद से कोरोना की वजह से। तो हम बाहर से ही घूम के आ गए थे। तो एक बॉल बाउल भी देखे थे, ये बॉल वो है जो थोड़ा सा घुमाने पे आवाज़ करते हैं ना, उसका नाम तो मुझे याद नहीं कि क्या बोलते हैं इसे, लेकिन मैंने देखा था अपने एक फ्रेंड के पास, ये बहुत सही चीज़ थी, मैं भूल गया लेना, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो ज़रूर लूँगा। तो ये था वो बुद्धिस्ट का टेम्पल जो हम नहीं जा पाए थे। आपको काफ़ी सारे डुप्लीकेट पश्मीना शॉल बोलने वाले मिलेंगे यहाँ पर कि ये पश्मीना शॉल है, लेकिन उसकी आपको फ़र्क होनी चाहिए कि कौन सा असली है कौन सा नकली। तो हमें तो कोई असली पश्मीना शॉल मिला नहीं, तो इसलिए मार्केट ही इंजॉय कर ली। ये हम परिक्रमा कर रहे हैं, घुमाने मज़ा आता है ऐसे इनको। बस पता नहीं कि क्यों घुमाते हैं, लेकिन अपने को तो मज़ा आता है यार। ये हमारे शैंकी दादा हर जगह खड़े हो जाते सामने आके, स्माइल लड़के। तो बारी बारी हम अपना परिक्रमा कर रहे थे। ये हमारे देश पग्गा साहब आ गए, परिक्रमा करता है मंदिर में आके या कहीं भी, वही है।
और हमारी फर्स्ट डे इतनी गंदी किस्मत थी कि जब भी बाहर जाओ बारिश स्टार्ट होने लगे, तो हमने सारी लकड़ियाँ गीली हुई थी, बॉनफायर नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने जैसे तैसे पेट्रोल निकाल के बॉनफायर करा अपना छोटा सा। और रात को जो डिनर खाने के बाद मज़ा आ गया, जो रात को डिनर दिया था ना, चिकन कढ़ाई पनीर, यार सच में उनकी फैसिलिटीज़ बहुत सही थी। पूरे दिन की थकान रात के डिनर ने कंप्लीट कर दी। तो नेक्स्ट डे हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई मैगी के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पहाड़ों पे जाएं और मैगी ना खाएं? इम्पॉसिबल है यार। तो मैगी के नाम पे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तुम्हें मैगी की कसम है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर ट्रैकिंग में।